आरएलसी सर्किट के बाद हम एक छोटी सी टर्म्स और समझ लेते हैं, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट वॉट किसे रिप्रेजेंट करता है? वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर कंजम्पशन? पावर कंजम्पशन, और एक्चुअली तो हमें इसे बोलना चाहिए क्या, पावर डेसिपेशन। लेकिन एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट तो है, करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन वोल्टेज सर्किट की जीरो है, यानी सर्किट का पावर डेसिपेशन, पावर कंजम्पशन बिल्कुल जीरो है। और ये हम पढ़ चुके हैं दो केसेस में। किस केसेस में? हम कह पहले पढ़ा था फॉर प्योर इंडक्टर, फॉर प्योर इंडक्टर फाई इक्वल्स पाई बाई टू, फॉर प्योर कैपेसिटर फाई इक्वल्स पाई बाई टू। दोनों ही केस में फेस कितना है? पाई बाई टू है, फेस एंगल पाई बाय टू है। तो फिर पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर यानी कॉस फाई की वैल्यू कितनी है इसके लिए? जीरो है। और पावर फैक्टर क्या था आपका, बताइए? पावर फैक्टर था आपका, बोलिए, रियल पावर अपॉन वर्चुअल पावर, ये था आप। जब ये जीरो है तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा आपके लिए? जो रियल पावर है ये आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा सर्किट में, जबकि सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। जब आप कैपेसिटर यूज करते हैं, व्हेन यू यूज अ कैपेसिटर इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट विद अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, यहां करंट तो फ्लो कर रही है, हालांकि हम एसी सर्किट में करंट को कभी भी ड्रॉ नहीं करते, बट देयर इज अ करंट, करंट इज ग्रेटर देन जीरो, करंट इज ग्रेटर देन जीरो, बट द पावर, पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, पावर इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। सो दिस करंट इज कॉल्ड वॉट लेस करंट। करंट है बट द वॉटेज इज जीरो, देर इज करंट बट द वॉटेज इज जीरो। करंट फ्लो कर रही है लेकिन वॉटेज कितनी कंज्यूम हो रही है? वॉटेज बिल्कुल जीरो कंज्यूम हो रही है। इस तरह की करंट को हम बोलते हैं क्या? वॉट लेस करंट। किस किस केस में पॉसिबल है ये? ये पॉसिबल है प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में, हालांकि वैसे प्योर कैपेसिटर प्योर इंडक्टर नहीं होते, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जरूर होता है, लेकिन फिर भी कैपेसिटर काफी हद तक प्योर कैपेसिटर की तरह काम कर जाता है, इंडक्टर तो प्योर नहीं बन सकता। तो इस तरह की करंट को हम बोलते हैं क्या? वॉट लेस करंट।